नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल खबर में। जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि हमें आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, तो आज हम आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद कुछ बातें हम आपसे करने वाले हैं और उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए और फॉलो कीजिए। चलिए सबसे पहले आप उस वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लीजिए और उसके बाद हम आपको कुछ बताएंगे, उसे ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। जैसा कि आपने ये वीडियो देख लिया और उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि आज ये किन परिस्थिति से देश गुजर रहा है, जहां सभी बाजार, मॉल, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल सारे चीज़ बंद पड़े हैं और
हर मार्केट में 144 लागू कर दिया गया है, लेकिन हमारे रेलवे में आज भी उसी तरह की व्यवस्था लागू है। ना रेलवे के कोई बड़े अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जहां तक बड़े बड़े बात करने वाले यूनियन के नेता भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, लगता है कि हमें वज्र का बनाया गया है, जबकि हमारे रेलवे में सबसे ज़्यादा खतरा है। क्योंकि अभी जब एयरपोर्ट बंद है तो सभी का आना जाना रेलवे के माध्यम से ही लगा हुआ है, उसमें कौन बीमार है कौन ग्रसित है इससे कोई पता नहीं चल पाएगा। और उस स्थिति में हमें कोरोना से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कि धातु में 4 से 5 घंटे तक उसका असर रहता है। यदि कोई धातु को कोरोना वायरस से इफेक्टेड व्यक्ति छूता है तो 4 से 5 घंटे उस पर उसका इफेक्ट रहता है। प्लास्टिक हो तो उस पर 8 से 9 घंटे रहता है। तो सावधानी पूर्वक हमें अपना रेलवे का सेवा भी देनी है और अपना ध्यान भी रखना है। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश में थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो प्रॉपर ढंग से मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, अपने हाथों में मल के अपने कार्य को संपादित करें, कार्य को सुचारू रूप से चलाएं, और हो सके तो ग्लव्स यूज करें। क्योंकि उन ट्रैकमैन भाइयों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमेशा गंदगी में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कोरोना वायरस एक आफत की तरह है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करने वाले अपने मल मूत्र त्याग करके ट्रैक पे ही जाते हैं, कितना ही फिल्टर लगा लिया जाए लेकिन फिर भी उसका असर रहता ही है। इसलिए सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क लगाएं और तत्पूर्वक अपना कार्य को संपादित करें। क्योंकि अभी तक रेलवे की ओर से किसी तरह का सुरक्षा मुहैया हमें नहीं कराया गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक इस चीज़ों को रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। क्योंकि रेलवे यदि बंद हो जाती है तो पूरा इंडिया ठप हो जाएगा, इसलिए अपना ख्याल खुद रखें। कोई भी हमें बचाने नहीं आएगा, और ना ही किसी तरह का कोई ग्लव्स मास्क सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। हमने भी बहुत सारे पत्र लिखे लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपना सुरक्षा खुद करें, लापरवाही ना बरतें, और ये संदेश सभी अपने रेलवे साथियों की ओर पहुंचाएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, हमारा जो कर्तव्य था उसे सुनने के बाद आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे चैनल से जुड़ना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि रेलवे से संबंधित जानकारी आप तक हम पहुंचा सकें। धन्यवाद।